महंगाई की मार, तेल कंपनियों ने बढ़ाए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। नमस्कार दोस्तों, देश भर में एक बार फिर रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़त देखी गई है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। अगर आपको भी अपने शहर में बढ़े दामों की जानकारी लेनी है तो आपको इंडियन ऑयल कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर राज्य में टैक्स व्यवस्था अलग होने की वजह से दामों में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन सभी सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ने के साथ ही 5 किलो का सिलेंडर 18 रुपए और 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 36.50 रुपए महंगा हो गया। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला बिना सब्सिडी सिलेंडर 644 रुपए का हो गया है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने कहा है कि देश भर में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। 5 महीने में यह पहली बार है कि गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि अधिकांश ग्राहकों को मई के बाद से सब्सिडी नहीं मिली, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य में गिरावट और घरेलू रिफिल दर के लिए सब्सिडी और बाजार दरों के बीच अंतर कम कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में गैस सिलेंडर अब 640 रुपए महंगा हो गया है, कोलकाता में गैस सिलेंडर अब 670 रुपए हो गया है और मुंबई में गैस सिलेंडर अब 640 रुपए का हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।